बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको मेरे चैनल एहसन लाहौरी पे खुश आमदीद। जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं या न्यू वीवर्स आए हैं, तो उनसे गुजारिश है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी की BA BSc की वेबसाइट, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है डेट शीट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 2 दिन पहले कि इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट के ऊपर ये इशू हो जाएगी। तो आए आज हम आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं और कैसे आपने निकालनी है वो आपको ब्रीफली गाइड करता हूँ। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जो है ना बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं। जैसे ही आप लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको डेट शीट शो होगी। ये मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, वेबकैम के ऊपर यानी कि PC और सिस्टम दोनों के ऊपर ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है रिवाइज डेट शीट फ्रॉम BA BSc Part 1। इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक टू डाउनलोड करें। जब आप क्लिक टू डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी की इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करके देख लें। आपके सामने अब ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखें 26 तारीख को बंगाली, इटालियन, तुर्किश के जो है ना वो एग्ज़ाम है। इसके अलावा 27 को इस्लामिक स्टडी का है और एथिक्स यानी कि नॉन मुस्लिम का जो पेपर्स है वो है। इसी तरह Part 2 की अगर ग्रुप की बात करें, सॉरी Group 2 की, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस है, 26 को रशियन है, बायोकेमिस्ट्री है और 27 को इस्लामिक स्टडी है और नॉन मुस्लिम के लिए एथेंटिक्स है सेकेंड ग्रुप वालों का। 28 को बात करें तो कंप्यूटर स्टडी है, जियोग्राफी है। अगर Group 2 में बात करें जर्नलिज्म है, केमिस्ट्री है, स्पेस साइंस है। 30 को बात करें इंग्लिश लैंग्वेज है और Group 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज इनका भी है सेकंड ग्रुप का। 1 को बात करें 1 दिसंबर को सोशियोलॉजी है, बॉटनी है, Group 2 में पंजाबी है, जर्मन है, स्पेनिश है। 2 को बात करें दिसंबर को इस्लामिक स्टडी है, यहाँ पे इस्लामिक स्टडी है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा फिलोसफी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है और फाइन आर्ट्स है। अगर हम 3 दिसंबर को बात करें तो एजुकेशन ओल्ड एंड न्यू कोर्स है फर्स्ट ग्रुप, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है Group 2 में, एजुकेशन है ओल्ड न्यू का, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, बॉटनी है। और 4 दिसंबर को पाकिस्तान स्टडी है फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का भी पाकिस्तान स्टडी है और 5 तारीख को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और बायोकेमिस्ट्री है। Group 2 में कश्मीरियात है, मैथमेटिक्स है, सोशल वर्क है, जेनेटिक है। 7 दिसंबर को इंग्लिश लिटरेचर का है और केमिस्ट्री का है। Group 2 में उर्दू, जियोग्राफी, म्यूजिक का है। 8 दिसंबर को इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, होम इकोनॉमिक्स है, जोलॉजी है और Group 2 में एरो साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री है, वुमेन स्टडी है, स्टैटिक्स है। और 9 दिसंबर को बात करें तो अरेबिक है, फ्रेंच है और Group 2 में पर्शियन और जोलॉजी शामिल हैं। ये आपके सामने यूनिवर्सिटी के ऊपर मोहम्मद रऊफ साहब हैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन। उन्होंने 26 तारीख को ये जो पेपर शुरू होने हैं उनकी डेट शीट आपके सामने, रोल नंबर डेट शीट आ चुकी है। तो इंशाल्लाह रोल नंबर स्लिप भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, वो एग्जाम से आपको 10 दिन पहले मिल जाएगी। अभी ये देखिए आपके सामने मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर रिजल्ट में रोल नंबर स्लिप दिखा दी है, जो कि आपके पेपर हेल्ड होने हैं नवंबर में और टिल दिसंबर तक ये जारी रहेंगे। COVID-19 की वजह से इनके अंदर छुट्टियां नहीं रखी गई। अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इनके अंदर छुट्टियां नहीं है, तो डिफरेंट पेपर के अंदर उन्होंने छुट्टियां रखी हैं, कुछ के अंदर नहीं रखी गई। उनकी कोशिश थी कि एग्जाम को जल्द से जल्द लेके आपका रिजल्ट और आगे जो है ना आपका नेक्स्ट प्रोसीजर जारी किया जाए आपने MA MSc के लिए अगर अप्लाई करना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मजीद अपडेट्स, मजीद मालूमात के लिए हम आपको अपने चैनल एहसन लाहौरी पे आपका वेलकम करते हैं। आप हमारे चैनल पे इन टच रहिएगा, मजीद मालूमात के लिए देखते रहें। एहसन लाहौरी एक सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।